राजेश कपूर ने ठाना है ड्रग्स को हराना है, नशा मुक्त हिमाचल बनाना है। मंडी शहर निवासी राजेश कुमार ने हिमाचल में बढ़ रहे चिट्टे के प्रचलन के खिलाफ अपने स्तर पर एक मुहिम छेड़ी है। राजेश कपूर पन्नालाल रक्षा मेमोरियल के नाम से एक ट्रस्ट चलाते हैं। इस ट्रस्ट के माध्यम से करीब 1.5 महीना पहले उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम के तहत राजेश कपूर रोजाना 2 से 3 पंचायतों में जाकर वहां के पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्थानीय लोगों से मिलकर उन्हें ड्रग्स और अन्य प्रकार के नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे हैं। राजेश कपूर अभी तक 40 से 50 हजार लोगों के साथ व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात करके उन्हें जागरूक करने का प्रयास कर चुके हैं। राजेश कपूर ने बताया कि उनका ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक प्रदेश से ड्रग्स जैसे जानलेवा नशे का खात्मा नहीं हो जाता। ड्रग्स को हराना है, नशा मुक्त हिमाचल बनाना है। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 40-50 हजार लोगों से मैं मिल चुका हूँ। ये कैंपेन जो है इसका अंत कब होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात निश्चित है, इसका अंत जब ही होगा जब हमारे क्षेत्र से ड्रग्स का अंत होगा। ये बात बिल्कुल निश्चित है। देखिए इसमें क्या है, बहुत आपने देखा होगा कई लोग हैं, कई संस्थाएं हैं जो इस पे काम करती हैं। जिस दिन से मैंने शुरू किया है कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन हम किसी ना किसी क्षेत्र में ना गए हों। मैं पिछले 5 महीने से बिना छुट्टी के हर जगह जा रहा हूँ, हर क्षेत्र में जा रहा हूँ, और उसी का कारण है कि आज सब लोग सुनते हैं और इतनी संख्या में भी लोग आते हैं। तो यही हमारा एक मकसद है कि इस लड़ाई को लड़ना है। राजेश कपूर महिलाओं को जागरूक करने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और उन्हें इस बात को लेकर सचेत करने का प्रयास कर रहे हैं कि वे अपने बच्चों की हर गतिविधि पर नजर रखें, बच्चों की आज़ादी बरकरार रखते हुए इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि बच्चे की दिन भर की गतिविधियां कहीं संदिग्ध तो नहीं होती जा रही हैं। राजेश कपूर का मानना है कि महिलाएं इस बात को लेकर जागरूक भी हो रही हैं और इस अभियान में अपनी भागीदारी भी निभा रही हैं। बच्चों की निगरानी बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि मैं बच्चों की आज़ादी रोकने नहीं आया हूँ, लेकिन अब वो हालात हैं कि हमें उनकी निगरानी रखना बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों की सोसाइटी है, स्कूल से वो सीधा घर पे आते हैं या कहीं रास्ते में रुकते हैं, समाज के लिए हमें काम करना है। जैसा मैंने बताया कि परिवार एक होता है, उसके बच्चे बिगड़ रहे होते हैं उसका, पर उसको बताने वाला कोई नहीं होता है। आज मेरी सब बहनों ने ये मुझे वादा किया है कि आगे से हमें कोई भी आलोचना मिले लेकिन हम उस परिवार को ज़रूर बताएंगे कि आपका बच्चा बिगड़ रहा है या बिगड़ चुका है, उसको रोको। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, ये बदलाव ऐसा बदलाव है जो ये इस लड़ाई में हमें बहुत मदद करने वाला है। वहीं महिलाएं राजेश कपूर द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम को नशा मुक्ति के लिए एक अनुकरणीय पहल बता रही हैं। सोमा देवी, ललिता वर्मा और दीपा कुमारी ने बताया कि उन्होंने राजेश कपूर द्वारा बताई बातों को अमल करने का संकल्प लिया है ताकि क्षेत्र के बच्चों और युवाओं को ड्रग्स के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके। राजेश कपूर सर जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो हम सब महिलाएं ये कोशिश करें कि हम आगे आए और अपने बच्चों को नज़र रखें और उनको नशे से बचाएं। तो सबसे पहले हाँ ठीक कहा इन्होंने कि महिलाओं को आगे आना चाहिए क्योंकि महिलाएं सारा सब कुछ देखती हैं, संभालती हैं, घर संभालती हैं। तो महिलाओं की जिम्मेवारी है कि अपने बच्चों को देखें कि टाइम से जाते हैं, कहाँ जाते हैं, कितने बजे आते हैं स्कूल से, टाइम से आते हैं कि नहीं आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी औरत की ही है, औरत ही संभाल सकती है सभी को, तो औरत ही नशे से भी बचा सकती है उनको। हम सारे महिला मंडल इकट्ठा होकर प्रयास करेंगे कि हमारा युवा मंडल और हमारे बच्चे जो हैं 12 साल से ऊपर जो बच्चे हैं वो अच्छी शिक्षा लें और उससे पीछे आने वाले बच्चों को भी वो अच्छी शिक्षा दें और नशा मुक्त और ये जो है चिट्टा है क्या है इसको इससे दूर रहे। राजेश कपूर अभी तक जिला के अनेक स्थानों पर इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम कर चुके हैं और ये उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुका है। उम्मीद यही है कि राजेश कपूर की ये पहल समाज में बदलाव लाने के लिए कारगर साबित होगी। डीडी न्यूज के लिए केंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।